दोस्तों मेरे फोन में बिल्कुल भी दम नहीं बची क्योंकि दोस्तों गर्मी इतनी तेज हो रही है कि लोगों के कपड़े पहने पहने सूख रहे हैं। तो दोस्तों आ गए हैं अपने खुद के खेत में। मैं तो यही बात कहूंगा कि लेवल सबके निकलेंगे। तो क्या हाल चाल दोस्तों, तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने इस चैनल सी वाई प्रीत के एक और नए ब्लॉग। मुझे पता है कि मैं टाइम टू टाइम ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन दोस्तों गर्मी इतनी तेज हो रही है कि लोगों के कपड़े पहने पहने सूख रहे हैं। और दोस्तों मैं आया हूँ अपने खेत पे ये खाना लेके, क्योंकि हमारे खेत में चल रहा है ट्रैक्टर, क्योंकि खेत जो है ऊंचा नीचा है तो थोड़ा लेवल हो रहा है। और हमारे ये देखो खेत के बगल में मूंग भी बोए हैं, हम नहीं बो पाए क्योंकि हमारी हमारी जो गेहूं की फसल थी वो थोड़ी सी लेट हो गई थी। और दोस्तों आप सबके लिए एक और बड़ी और थोड़ी सी बुरी खबर कि हमारी जो वीडियो थी ना, वो कौन सी गोवर्धन पूजा वाली, वो YouTube ने उनकी तरफ से उनके एल्गोरिदम की वजह से डिलीट कर दी है। क्यों, तो क्या हुई? और उसका कारण बताया है कि बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। मतलब इतना बड़ा कारण, मैं सुन के रात में मुझे नींद नहीं आई, बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, वीडियो अपन भी YouTube पे बनाते हैं और उनका मन है कि वीडियो नहीं रखना, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं, अपन कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अपन खेत पे जरूर जा सकते हैं, तो अपन क्या कहते हैं यार, तो इसे लंच टिफिन जो भी कहते हैं, लेकिन हम तो खाना लेके ही जा रहे हैं। दो ट्रैक्टर चल रहे हैं तो भैया के लिए खाना लेके चल रहे हैं। तो बस वो देखो सामने, अगर किसी को ट्रैक्टर दिखता हो तो मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ, वहीं पे बात करेंगे। और देखो दोस्तों मैं कह रहा था ना, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, देखो इतनी तेज पड़ रही है गाय काली हो गई। ये आगे वाली थोड़ी अभी भी गोरी है, लेकिन ये वाली गाय जो है वो काली हो गई। क्यों गाय, गर्मी पड़ रही है ना बहुत तेज, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। दोस्तों सही में बहुत तेज गर्मी। तो दोस्तों आ गए हैं अपने खुद के खेत में और यहाँ पे देखो ये पाल उठाई है और यहाँ पे झील टाइप की थी बीच में, तो उन्होंने बगल बगल का खोद के और बीच में मट्टी करके पूरा जो ये गट्टा है इसको लेवल कर दिया है। क्योंकि दोस्तों मैं तो यही बात कहूँगा कि लेवल सबके निकलेंगे, बस निकलेंगे उसी के जो यहाँ पे खड़ा रहेगा। लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। देखो जैसे कि ये दो भैया जो यहाँ पे, एक ट्रैक्टर ये और एक वो पीछे चल रहा है, इनके लेवल निकल गए क्योंकि ये यहाँ सुबह से खड़े हैं ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो आपके भी लेवल निकलेंगे, बस आपको क्या है खड़ा रहना पड़ेगा, अड़ा रहना पड़ेगा। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, भले ही मुझे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेवल सबके निकलेंगे। ये वाले गट्टे को भी ये लेवल कर रहे हैं, ये देखो ये मट्टी ये खोद के रखी है, जहाँ भी उनको लगेगा वो बराबर कर देंगे पूरे खेत को, बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये आधा खेत इनने इधर से बराबर कर दिया है, अब ये मट्टी सकेल के इधर लेके आएंगे क्योंकि इधर पे गड्ढा है। और ये हमारे पीछे ये देखो नदी है, क्योंकि इसे हम नदी वाला खेत इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नदी है। और क्या कहते हैं, मैं भूल गया, और क्या यार मैं भूल ही गया, मैं सही में भूल गया क्या कहता था, मैं कह रहा था कि हाँ यही नदी की मदद से ही हम हमारी फसल उगाते हैं, क्योंकि हमारे पास इस खेत में अभी तक कोई ट्यूबवेल नहीं है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ती, दो फसल है और दोनों फसल में ये नदी पूरी तरीके से भरी रहती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती अपन। दोस्तों ट्रैक्टर चलाने वाले दोनों भैया उतर के भोजन करने चले गए हैं और ट्रैक्टर अपनी जगह पर खड़ा करके चले गए हैं, और हम खैर चला सकते हैं लेकिन उंगली करना अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों भैया लोगों ने खा लिया है खाना और मैं चलता हूँ ये थर्मस और टिफिन लेके घर, और वो लोग चलाएंगे अब ट्रैक्टर, तो चलो चलते हैं घर। तो दोस्तों खेत में से आ गए हैं और वापस ये मूंग के खेत में से जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे हर हफ्ते में एक दो बार पानी देते हैं, तो इतनी ठंडक लग रही, मजाक से हटके बता रहा हूँ, कूलर इसके आगे फेल है। और दोस्तों मेरी वीडियो को लगभग 100-150-200 लोग देखते हैं, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ कहते हैं वीडियो बहुत मस्त बनाते हैं। और कुछ बच्चों की तो मैंने ये भी सुना है कि भाई साहब
एंड्रॉइड टीवी में मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब पूरे घर वालों को दिखा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है यार जब कोई ऐसी बातें करता है, घर आके बता दे कि यार आपका वो वीडियो बनाता था, हमारे लड़के वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है ये भी। और दोस्तों अपन आए थे अपनी ये स्कूटी से और अपन अब चलते हैं घर, और दोपहर में कोई कंटेंट नहीं, शाम को क्रिकेट खेलने जाएंगे जब बनाएंगे, क्योंकि दोपहर में अपन सिर्फ सोते हैं। दोस्तों शान पत्ती में भूल गया कि इसमें सेल्फ चालू नहीं होता, किक मारनी पड़ेगी। Years later. दोस्तों हम आए हैं रात के 11 बजे बाजार, और बाजार में लगभग सब सुनसान, और जे वाली हमने ये दुकान जो आपको दिख रही होगी, तो इस पे से हमने लिए ये आइसक्रीम। हमारे साथ जो भाई है आधा नंगा आधा पुंगा बेचारा, आधे आधे कपड़े पहन के गरीब घर से, इसको कोई हेट मत देना, इसको कोई हेट मत देना, इसको दोस्तों प्यार दो, क्योंकि ये भी अपने चैनल का सब्सक्राइबर है।